और इस बीच हाथरस हादसे पर पुलिस ने क्या कहा यह भी आपको सुना देते। शासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई जिसके चलते घटना घटी और कई जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरणरज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। और देखिए हाथरस हादसे में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। न्यायिक जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। न्यायिक जांच टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। सत्संग स्थल का भी मुआयना किया गया है। जिस सड़क के पास यह हादसा हुआ उसकी भी बड़ी बारीकी से जांच की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हाथरस पहुंचकर जो न्यायिक जांच टीम का गठन किया है उसने पूरी जांच की है। सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। सुमन जो जांच हो रही है न्यायिक जांच टीम की तरफ से उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या अभी तक पाया गया है? देखिए करुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य हाथरस में पुलिस लाइन पहुंचे और तमाम अधिकारी निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक के सभी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी पहले सबों के साथ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की बैठक हुई है और इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पुलिस लाइन से निकलकर सीधे सिकंदरा राव में घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां पे जो स्थानीय अधिकारी हैं सिकंदरा राव के CO SO जो तमाम जो पहले पहुंचे थे घटनास्थल पे ये सभी लोग मौजूद हैं। और इसके बाद मैं एक और जानकारी दे दूं कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद न्यायिक आयोग के सदस्यों की टीम वापस यहां पहुंचेगी हाथरस पुलिस लाइन और यहां पर एक बार फिर सभी आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। तो ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा सबसे जो एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस केस में करुणा, अब से थोड़ी देर पहले जो हाथरस के SP हैं निपुण अग्रवाल उनसे हमने खास बातचीत की है। उनका साफ तौर से कहना है कि देव प्रकाश मधुकर बाबा का बेहद खास और करीबी होने के साथ साथ बाबा का बड़ा फंडरेजर है और इस पूरे मामले में दो भूमिकाएं उसके सामने आई है। पहला वो सत्संग का आयोजक भी था और दूसरा वो फंडरेजर था। अब जब उसके तमाम मनी ट्रेल की अब पुलिस जांच कर रही है, शुरुआती जांच में ये पता चला है करुणा जी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के संपर्क में भी थे ये SSP ने कहा है और उन्होंने कहा है कि ये जांच की जा रही है कि जिन राजनीतिक दलों के संपर्क में मधुकर था क्या उनसे इसने पैसे भी लिए हैं और इसमें इनकम टैक्स के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है और पूरी इसकी कुंडली कहें कि इसकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली के साथ साथ देव प्रकाश मधुकर के आर्थिक कुंडली को भी अब पुलिस कंगाल रही है और पुलिस का कहना है कि अब पुलिस रिमांड पे लेने के बाद और डिटेल में न्यायिक आयोग की टीम है वो इस वक्त जांच कर रही है। मौका मुआयना भी किया गया है और इसके अलावा बाबा का जो मनी ट्रेल है और जो पॉलिटिकल कनेक्शन इन सब की जो जांच है उसकी बात भी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमंत इस जानकारी के।